बॉलीवुड में इस वक्त बायोपिक का दौर चल रहा है। ये फिल्में हिट भी हो रही हैं और लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। खासकर पॉलिटिकल बायोपिक्स की तो पिछले कुछ दिनों में बाढ़ सी आ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी, शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर बायोपिक बनने जा रही है। मुलायम सिंह यादव, जिन्हें सियासी गलियारों में नेताजी कहकर बुलाया जाता है, मुलायम सिंह यादव की इस बायोपिक फिल्म का नाम है मैं मुलायम सिंह यादव। फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म का निर्माण मीरा संठी मंडल ने किया है, जबकि निर्देशन सुविंदु राज घोष का है। फिल्म में अमित सेठी नेताजी के रोल में दिखाई देंगे। मेकर्स का दावा है कि मैं मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की डर्टी पॉलिटिक्स और मुलायम सिंह यादव के संघर्ष को बड़े पर्दे पर खूबसूरती से दिखाएगी, जिसमें उन्होंने एक किसान पुत्र से प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया था। ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है, यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में जन्मे थे, वही सैफई जहां फिल्मी सितारों का तांता लगता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव निर्विवाद रूप से एक बड़े चेहरे हैं, जननेता है और जमीनी भी। कभी इंग्लिश के खिलाफ थे, लेकिन अखिलेश के ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद थोड़े नरमी दिखाई दिए। देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति ने मुलायम को राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी अहमियत दिलाई थी। जानकार तो ये भी कहते हैं कि मुलायम देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते अगर लालू प्रसाद यादव अड़ंगा ना लगाते। साधारण परिवार से आने वाले मुलायम सिंह यादव को उनके पिता पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने राजनीति में ला खड़ा किया। एक दंगल के दौरान स्थानीय नेता नाथुराम ने छोटे से लड़के को देखा कि वो अपने से बड़े कद के पहलवानों को धूल चटा रहा है। कहते हैं यही से मुलायम के लिए राजनीति में आने का दरवाजा खुला। नाथुराम ने ही उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मिलवाया था और करहल में टीचर की नौकरी का भी इंतजाम किया। मुलायम सिंह यादव के सियासी करियर को परवान चढ़ाने में नाथुराम, राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह का बड़ा हाथ था। इमरजेंसी के दौरान मुलायम सिंह 19 महीने जेल में रहे थे। 1989 में पहली बार यूपी के सीएम बनने वाले मुलायम 3 बार यूपी के सीएम पद की बागडोर संभाल चुके हैं। देश के रक्षा मंत्री भी हुए। 2012 में दिल्ली गैंगरेप पर मुलायम ने कहा था कि लड़के तो लड़के होते हैं, गलती हो जाती है। इस बयान को लेकर खूब बवाल मचा था। बवाल इतना बड़ा था कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून को भी इस पर प्रकाश डालना पड़ा। यूं तो अभी पीएम मोदी का जलवा है और विवेक ओबरॉय ने उन पर बायोपिक भी सही टाइम पर बनाई, लेकिन चली नहीं। जबकि रियल लाइफ में पीएम मोदी का जलवा क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। इस लिहाज से देखा जाए तो मुलायम का अभी उस तरह का जलवा भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मोशन पिक्चर से जलवा वाली बात हटा ली जाए। उम्मीद है कि नेताजी का जलवा यूपी की राजनीति और फिल्म दोनों में धाकड़ होगा।